आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। वो टर्म को आज से पहले आप लोगों ने काफी सारे मेरे वेबिनार्स के अंदर भी सुना होगा और काफी सारे और लोगों को भी उसे कहते हुए सुना होगा। वो क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर कंफर्ट जोन बोलते किसे हैं। स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको कंफर्ट जोन की एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा। बेसिकली में कंफर्ट जोन हम लोग एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी सूरत हाल को कहते हैं जिसके अंदर आपकी अपनी कोई पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही होती। आप लोग स्टेबिलिटी के मूड के अंदर होते हो। अब स्टेबिलिटी के मूड के अंदर मतलब कि आप लोग अपने प्रेजेंट के अंदर रह रहे होते हो। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में ना तो ज्यादा सोचते हो ना उसके बारे में आप लोग ज्यादा टेंशन लेते हो। यानी एग्जांपल, अगर आप लोग कहीं पे भी जॉब करने जा रहे हो, वहां पे आपकी मंथली सैलरी 20,000 है, 25,000 है या 30,000 है, आप लोग अपनी सैलरी से फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उसके अंदर गुजारा कर रहे हो। आप उस सिचुएशन के अंदर ना तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हो और ना आप लोग उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हो। उस सूरत हाल को हम बेसिकली में बोलते हैं कंफर्ट जोन, जब आप लोग ग्रोथ की साइड पे नहीं जा रहे होते हो। स्टार्टिंग के अंदर इन शॉर्ट टर्म अगर मैं आपको बताता चलूं तो स्टार्टिंग के अंदर जब भी आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना या आना चाहोगे तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगे। अब अनकंफर्टेबल का एक छोटा सा मतलब क्या है कि अनकंफर्टेबल का मतलब यह है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में आज से पहले कभी भी उस काम को किया नहीं होगा, तो आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, आपको वहां पे जाने से कहीं ना कहीं अलाउ भी कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको रोक भी रहा होगा, तो आप इस सिचुएशन के अंदर घबरा रहे होगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। और इन शॉर्ट अगर आप लोगों को मैं फैक्ट के अंदर बताऊं तो अगर आप लोग किसी भी तरफ जा रहे हो या जाना चाह रहे हो और आप लोग घबरा रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि आपको वहां पे जाना चाहिए या आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको यह है कि आपको वहां पे जाना चाहिए। बिकॉज वहीं पे आपकी ग्रोथ है और जहां जहां पे आपकी ग्रोथ है वहीं पे आपकी सक्सेस है। जजाकल्ला।